दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा लोगों का कहते हुए कि हमारे घुटने में दर्द रहता है। दोस्तों घुटने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है दर्द होने का वह है कि आपका ओवरवेट होना। ओवरवेट होना यानी कि आपका मोटापा ज्यादा होना, जिसकी वजह से घुटने पे ज्यादा असर होता है। और इस मोटापा का अगर हम इलाज कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसे कैसे कम किया जाए, तो हम बहुत हद तक घुटने के दर्द को भी ठीक कर सकते हैं और हम अपने मोटापे को भी कम कर सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं सब कुछ तो ठीक है लेकिन पेट का चर्बी कम नहीं हो रहा है, बेली फैट मेरा कम नहीं हो रहा है। दोस्तों नो डाउट बेली फैट एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। इसे आयुर्वेद ने भी और मॉडर्न साइंस ने भी यह माना है कि बेली फैट और मोटापा एक बहुत बड़ा समस्या है और बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बताएंगे 6 ऐसे चीजों के बारे में, 6 ऐसे कामों के बारे में जिसे हम अगर कर लेते हैं तो हमारे घुटने का दर्द तो कम होगा ही, साथ ही हमारा मोटापा भी कम होगा, जिससे घुटने पर असर भी कम पड़ेगी। प्रॉब्लम वहाँ पे होता है कि जब घुटने में दर्द है तब बहुत ज्यादा हम एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा मोटापा कम हो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यह बताएंगे कि 6 ऐसे चीजों के बारे में जिसे अपनाकर आप अपने मोटापे को भी कम कर सकते हैं, अपने बेली फैट को भी कम कर सकते हैं और अपने घुटने के दर्द को भी कम कर सकते हैं। दोस्तों यह चीजों को अगर आपने फॉलो कर लिया तो नो डाउट आपका मोटापा भी कम होगा और घुटने की दर्द भी कम होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। दोस्तों जब बॉडी के अंदर पेट वाले हिस्से में जब चर्बी जमा होने लगता है तो यह हमें सोचने में देर नहीं करनी चाहिए, समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि वह एक विसरल फैट होता है जो स्टोर होने लगता है हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में। यह विसरल फैट हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में तो जमा होता ही है, साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स जैसे किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, हार्ट, इन सारे ऑर्गन्स पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है और वह अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यह जो तोंद है यह सिर्फ दिखने में ही खराब नहीं लगती बल्कि मॉडर्न साइंस भी मानती है कि यह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है आपके स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों हमारे बेली एरिया में अगर फैट जमा होना शुरू हो जाता है तो हमारे इंटरनल ऑर्गन पे जो इफेक्ट पड़ता है उसका वह यह पड़ता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे स्प्लीन हो गया या फिर पैंक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सारे अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते क्योंकि उनपे भी विसरल फैट जमा होने लगता है। और ये सारे चीजें अगर अच्छी तरह से काम नहीं करती है तो मुझे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट ब्लॉकेज, फैटी लीवर जैसे प्रॉब्लम का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों आज हम ऐसे 6 चीजों के बारे में बताएंगे जिससे अपनाकर आप अपने बेली फैट को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। वह 6 चीजें में सबसे पहला जो है वह है कीप बॉडी हाइड्रेट, अपने शरीर को अपने बॉडी को हाइड्रेट हमेशा रखें। हाइड्रेट का मतलब होता है कि आपने शरीर के अंगों को पूरी तरह से उसे पानी का मात्रा मिलते रहना चाहिए। दोस्तों पानी अगर हमारे शरीर में सही मात्रा में रहता है तो वह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बहुत हद तक बढ़ा देता है, जिससे हमें फैट को कम करने में मदद मिलती है। मॉडर्न साइंस की यह मानता है कि बॉडी में अगर पानी का मात्रा सही तरीके से सही मात्रा में अगर है तो हमें हमारे फैट को कम करने में बहुत मदद मिलता है। दोस्तों इसे हाइड्रेट रखने के लिए हमारे बॉडी को जितना पानी चाहिए उतना पानी रोज हमें जरूर पीना चाहिए। पानी पीने के लिए सुबह में जब भी आप सो के उठे, ब्रश करने के बाद सबसे पहले आप एक गिलास गुनगुना पानी, गर्म पानी जरूर पिए। गर्म पानी पीने से हमें यह होता है कि हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा होता है और वह हमारे पेट को साफ करने के लिए भी बहुत कारगर होता है। दोस्तों अगर हम गर्म पानी पीते हैं सुबह पहर तो हमारे पेट में जो पुराने मल पड़े हुए हैं वह भी अच्छी तरह से निकल जाते हैं, पेट साफ रहता है। और यह गर्म पानी जो है वह हमारे फैट को भी काटने का काम करता है और वह धीरे धीरे कम होने लगता है। गर्म पानी पीने से डाइजेशन भी बहुत फास्ट होता है और आपके शरीर में, आपके बॉडी में, आपके पेट में जितने भी पुराने मल हैं वह भी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। दोस्तों सुबह पहर पानी कितना पीना है यह आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम एक गिलास तो जरूर, आप 2 गिलास भी पी सकते हैं, 3 गिलास भी पी सकते हैं, पानी लेकिन गर्म होना चाहिए। दोस्तों इसमें दूसरा जो चीज करना है वह है नो शुगर।
यानी कि शुगर से बनी कोई भी चीज हम अपने शरीर के अंदर इंटेक नहीं करेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि अगर शुगर लेते हैं तो शुगर इतना ज्यादा केमिकल प्रोसेस से बना होता है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ फैट के रूप में ही जमा होता है हमारे शरीर में, खासकर बेली के एरिया में फैट जो जमा होता है वह शुगर और कोलेस्ट्रॉल ही होता है। दोस्तों, हमारे खाने के लगभग सभी चीजों में शुगर का उतना मात्रा रहता है जो हमारे शरीर को जितना एनर्जी चाहिए वह एनर्जी मुझे खाने से मिल जाता है। और किसी भी चीज जो शुगर से बना होता है आइटम को खाते हैं तो हमारे शरीर में शुगर का मात्रा को बढ़ाता है, अपने बेली में, अपने पेट में वह स्टोर होते रहता है। दोस्तों, दो चीजें ऐसी है जो हमारे शरीर से अपने से वह निकलती नहीं है, एक शुगर और दूसरा कोलेस्ट्रॉल। अगर हम शुगर खाते हैं वह भी हमारे शरीर में जमा होता है, मात्र 10-20% ही निकल पाता है, बल्कि 80% हमारे शरीर में खास करके बेली एरिया में वह जमा होता है। तो हमें इसको भी अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है वह धीरे धीरे कम हो। दोस्तों, इसमें तीसरा जो चीजें है वह है टेक मोर प्रोटीन। दोस्तों, जहां तक प्रोटीन की बात आती है तो मैं प्रोटीन पाउडर की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि हम अपने डाइट में ऐसे चीजों को खाएं जिसमें प्रोटीन का मात्रा ज्यादा हो। आमतौर पर देखा गया है कि लोगों का कहना है कि किसी किसी तरह के प्रोटीन में हमारा यूरिक एसिड वगैरह बढ़ता है, तो हमें वैसा प्रोटीन नहीं खाना है जिसमें प्यूरिन का मात्रा हो। प्यूरिन का मात्रा अगर बढ़ेगा शरीर में तो वह यूरिक एसिड को बढ़ाएगा, जिससे भी हमें जोड़ों में दर्द हो सकती है। बहुत सारे ऐसे होल ग्रेन है, दलिया है, दूध है, दही है, पनीर है, ये सारे चीजें अगर हम खाते हैं तो हमें प्रोटीन का सही मात्रा शरीर में मिलता ही है, साथ में तंदुरुस्ती भी मिलती है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस यह मानता है कि अगर प्रोटीन का मात्रा सही से आपके शरीर में जा रहा है तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी वह कम रखेगा और फैट को भी जल्दी बनने नहीं देगा, आपके विसरल फैट को भी वह काटने में मदद करता है। दोस्तों, इसमें जो चौथा चीज है वह है अवॉइड फ्राइड फूड। अवॉइड फ्राइड फूड का मतलब होता है कि वैसे तला छना हुआ चीजें हम नहीं खाएं जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़े, जिससे हमारे शरीर में फैट का मात्रा बढ़े। दोस्तों, बाजार में जो छना हुआ तला हुआ चीजें जो मिलती है वह एक ही तेल में इतना ज्यादा बार छाना जा चुका होता है जो वह ट्रांस फैट के रूप में हमारे शरीर में जमा होने लगता है। तो हमें ऐसे चीजों को भी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए जिसमें ट्रांस फैट हो, खास करके फ्राइड फूड में हमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट के रूप में मिलता है, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, मैं जानता हूं जिनको घुटने में दर्द है वह बाजार में जाकर के नहीं खा पाते हैं, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फैट अभी बहुत जमा हो चुका है और वो बाजार जाते हैं, वो फ्राइड फूड खाते हैं। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसको हम पैक्ड फूड भी कहते हैं। पैक्ड फूड भी में भी हमारा कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बहुत ज्यादा होता है और फ्राइड फूड में भी कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बहुत ज्यादा होता है जो ट्रांस फैट के रूप में हमारे बेली एरिया में जमा होता है। तो हमें ऐसे चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, पांचवा जो चीज है वह है ईट होल ग्रेन। ईट होल ग्रेन का मतलब होता है वैसा चीज खाएं जो समूचा हो। जैसे में अगर हम रोटी बनाते हैं तो वह आटा जिसमें चोकर सहित हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चोकर को बिल्कुल छान कर अलग कर देते हैं, उसके बाद जो फ्रेश आटा होता है उसे खाते हैं। दोस्तों, जब चोकर हम निकाल लेते हैं तो आटा में प्रोटीन तो मिलता है, लेकिन हमारे हाथ में उसे पचाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें होल ग्रेन का उपयोग करना चाहिए। दलिया है, चोकर सहित आटा है, चावल है। चावल अगर हम खा रहे हैं तो कोशिश ये रहे कि ब्राउन राइस मिले तो ज्यादा बेहतर है। ब्राउन राइस खाएं, दलिया खाएं, बहुत सारे हरी सब्जियां हैं उसमें भी हमें फैट को काटने का बहुत ही अमीनो एसिड मिलता है जो हमारे फैट को काटने में बहुत मदद करता है। तो हम अपने खाने में सलाद का मात्रा बढ़ा सकते हैं, हरी सब्जियां का मात्रा बढ़ा सकते हैं। जितना भी हम ग्रेन खाते हैं, यानी कि जितना भी हम अनाज खाते हैं, जस्ट ऐसा तो मॉडर्न साइंस भी कहता है कि जस्ट उससे डबल हमें सलाद या सब्जियां खाने चाहिए। दोस्तों, हमें होल ग्रेन के साथ साथ होल फ्रूट्स भी खाने चाहिए। होल फ्रूट्स का मतलब क्या? फ्रूट का जूस नहीं, बल्कि समूचा जो फ्रूट होता है वो हम खाएं। जैसे सेब खाएं तो हमें समूचा खाना है, बहुत ज्यादा काट कर नहीं खाना है, बहुत ज्यादा देर काट कर रख करके नहीं खाना है, बल्कि समूचा खाएं। खीरा खाते हैं तो समूचा खाएं। होल फ्रूट खाना है, ना कि उसे जूस निकाल कर पीना। जूस निकालने से हमें हमारे खाने में फाइबर की मात्रा कम जाती है, सिर्फ मुझे विटामिन्स मिलती है। और अगर हम होल फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें फाइबर भी मिलता है और विटामिन्स भी पूरा मात्रा में मिलता है।
तो इससे हम फल या खाना जो भी खाएं वो होल खाएं पूरा। दोस्तों छठा और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह है हमारे खाने के समय को चेंज करें। दोस्तों हम जब भी दो मील के बीच में अगर मुझे भूख जैसा महसूस होता है तो कभी भी हम कुछ एक्स्ट्रा खाना नहीं खाएं बल्कि उस जगह पे पानी पिए। इससे हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा और इससे हमारे शरीर में वाटर डिहाइड्रेट भी रहेगा और मुझे एक्स्ट्रा कुछ खाने का चीज नहीं मिलेगी। दोस्तों छठा जो चीज है वह सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी हम खाना खाएं तो वह शाम के 7 से पहले सूर्यास्त से पहले अगर हम खाना खा लेते हैं तो उस खाने को पचने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। जनरली ऐसा देखा गया है कि 3 से 4 घंटे में हमारा खाना पचता है और जब हम इसे 12 बजे और 11 बजे रात में खाते हैं और खाकर सो जाते हैं तो हमारे शरीर में फैट का मात्रा बढ़ने लगता है क्योंकि उसे पचने के बाद शरीर में किसी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ स्टोर ही होता है। खास करके ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो रात में ही ज्यादा खाना भी खाते हैं, सुबह में नाश्ता कम करते हैं, दोपहर में खाना शायद कम करते हैं लेकिन रात में सबसे ज्यादा खाते हैं। यही कारण है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ता है और खास करके बेली एरिया में फैट का भी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हम जब भी डिनर लें तो वह शाम के 7 बजे तक ले लें क्योंकि अगर 7 बजे तक लेते हैं और सुबह में नाश्ता के रूप में 9 बजे तक सुबह हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है और इसके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए शरीर को भी एक समय मिल जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर हमारा मोटापा कमता है तो हमारे शरीर पे एक्स्ट्रा बोझ जो पड़ रहा है घुटने पे वह भी कम होगा और घुटने में जो दर्द हो रही थी वह भी कम होगा। दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।